ठीक है, ये इसलिए कह रहा है कि जे को हमने अनइनिशियलाइज रखा है यहाँ पे, और हम इसको चेंज कहाँ करवा रहे हैं, इफ की कंडीशन के अंदर। सो व्हाट इफ ये, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जे को कभी वैल्यू असाइन ही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि अगर जे, इफ की कंडीशन कब ट्रू होगी, जब रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई की वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी होगी। अगर नहीं होगी तो मैक्सिमम केस कौन सा ही होगा, वो जो जीरो वाला है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जे इज इक्वल टू, ये ऊपर ही इसको कर देते हैं कि जे की वैल्यू जो हमने जीरो रखी है इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्या किया, जिस तरह मैक्सिमम की वैल्यू मैंने एरे ऑफ जीरो वाले एलिमेंट में रखी है, तो मैं कह रही हूँ कि अभी जे भी जो है वो भी जीरो है। लेकिन जैसे ही जहाँ पे रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू से बड़ा कोई एलिमेंट मिलता है, तो मैक्सिमम क्या कर दो, रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई, आई के जिस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जे को भी वही आई कर दो। और फिर अब जब हम इसको रन करवाएंगे, ठीक है, एंटर टोटल प्रोवेंस वर सेंड, इसको मैंने कर दिया 20 और पंजाब लेट से 18 और केपी के 10 एंड फॉर बलूचिस्तान हम कर देते हैं 6 एंड फॉर आजाद कश्मीर 4। ठीक है, इसने क्या कहा, सिंध हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस दैट इज 20। तो इसने मुझे प्रोविंस का नेम भी प्रिंट करवा दिया, कौन सा प्रोविंस है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। दोबारा रन करते हैं, अब किसी और प्रोविंस के लिए वैल्यू ग्रेटर करते हैं कि लेट से केपीके के लिए करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हैंग हो गया, जी क्लासेस, ये जो थो मैंने मॉडिफिकेशन की है इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है? जे वाला समझ में आ गया कि मैंने जे एक लोकल वेरिएबल क्यों रखा है। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं, लेट्स से सिंध को मैं कह रही हूँ 15 साइड वॉक स्लो चल रही है। जी क्लास क्लियर है ये? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं और आपको 2D एरे एक्सप्लेन कर दूं। सबको क्लियर है? ठीक है, ये जो मैंने सेकंड एरे वाला काम किया, जो स्ट्रिंग एरे बनाई है, सिर्फ प्रोविंसेस के नेम के लिए की है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे जे यूज किया है। जे मैंने किसके लिए यूज किया है, ताकि जब मैक्सिमम निकल जाए तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रोविंस का नेम भी प्रिंट करवा सकूँ कि मैक्सिमम जो वैल्यू आई है वो किस प्रोविंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जे की वैल्यू जिस तरह मैक्सिमम की वैल्यू रिपोर्टेड कैसे ऑफ एरे ऑफ जीरो, यानी कि रिपोर्टेड कैसे केसेस की जो जीरो एलिमेंट में वैल्यू है वो मैक्स कर दो और जे को जीरो कर दो। यानी कि प्रोविंस अभी क्या है, जीरो। फर्स्ट प्रोविंस की वैल्यू अभी आर रेज्यूमिंग के सबसे हाई है, जो कि सिंध है। और फिर वन बाय वन लूप चलाओ और सिंध की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पंजाब से कंपेयर करवाओ। अगर पंजाब की वैल्यू बड़ी हो जाती है, और पंजाब कैसे ये निकालेगा, रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई, रिपोर्टेड केसेस पे जो वैल्यू हम रिज्यूम कर रहे हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो पंजाब की वैल्यू है, क्योंकि जो प्रोविंस का एरे है उसमें पंजाब सेकंड नंबर पे और एरे इंडेक्स 1 है। तो एरे इंडेक्स 1 पे अगर पंजाब की वैल्यू सिंध की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम से बड़ी हो जाती है, सो मैक्सिमम को क्या कर दो, रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई, यानी कि जो मेरे पास रिपोर्टेड केसेस का जो सेकंड वाला एलिमेंट है जो 1 इंडेक्स पे, उसको मैक्स कर दो और जे आई कर दो। जे को आप ये अज्यूम करें कि मैं प्रोविंस के काउंटर के तौर पर चला रही हूँ, ये मैक्सिमम के साथ साथ जो नंबर वो निकाल रहा है रिपोर्टेड केसेस से, तो वो लिस्टिंग मेरे लिए प्रोविंस के लिए भी करे। तो इसलिए मैंने जे को कहा, क्या कहा कि जैसी इफ की कंडीशन, अगर पंजाब के केसेस सिंध से बढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम कर दो, वो जो वैल्यू है पंजाब की वो मैक्सिमम में डाल दो और जे इज इक्वल टू
आई, यानी कि अब जे किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब पंजाब को फर्स्ट को, फिर दोबारा एरे में इंक्रीमेंट होगा, लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब पंजाब की वैल्यू नेक्स्ट वाले मेरे जो है वो प्रोविंस से होगी जो कि केपी के है। अगर केपी के की वैल्यू भी पंजाब से बढ़ जाती है तो फिर ये क्या होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू रिपोर्टेड केसेस ऑफ आई, यानी कि उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करे, जे की वैल्यू को चेंज करता रहे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी जे की वैल्यू चेंज होगी, वरना वो जो जे की पुरानी वैल्यू थी वही वैल्यू अपडेट होती रहेगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड टॉपिक व्हिच इज द सब टॉपिक ऑफ एरे। हमने अभी पढ़ी है 1D एरे, ये 2D एरे नहीं है। हमने दो एरे जरूर अपने प्रोग्राम में यूज किए हैं, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस, ये एक ही डायमेंशन है। एक 1D एरे ये है प्रोविंस की जो कि स्ट्रिंग है, और एक 1D एरे है मेरे पास ये जो कि इंटीजर की है। तो ये दो डिफरेंट 1D एरे हैं जो मैंने अपने प्रोग्राम में यूज किए हैं। 1D का मतलब वन डायमेंशन, एदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट मेरे पास प्रोविंस वाली एरे है, अगर मैं इसको वर्टिकली प्रिंट करवाना चाहूँ, मतलब हर लाइन पे, तो प्रिंट करवाते वक्त मैं क्या यूज करूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख रही हूँ तो प्रिंट करवाते वक्त मैं क्या प्रिंट करूंगी, कंसोल डॉट राइट। तो कोई एक डायमेंशन बन रही है, एदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कोई डायमेंशन एक है इसकी, या तो एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रही है या वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे तब करेगी जब मैं प्रिंट करवाते वक्त, लेट से जब मैं एज्यूम कर, ये इसको प्रिंट करके देख लेते हैं प्रोविंस वाली एरे, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, प्रोविंस वाली एरे प्रिंट करवानी है, प्रोविंस डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट प्रोविंस ऑफ आई, सिर्फ प्रोविंस ऑफ आई प्रिंट हो मेरे पास। ठीक है, इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। देखें इसने हम क्या किया, एक ही वर्टिकल, ये क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल एरे, एक डायमेंशन है, सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको प्रिंट करवाऊँ कैसे, प्लस एक स्पेस भी आ जाए मेरे पास, सो स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दी, रन। ठीक है, इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल एरे जो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं इसको कह दूं कंसोल डॉट राइट लाइन, तो अब ये क्या बन गई, एक वर्टिकल एरे जो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही है। सो एट अ टाइम कोई एक डायमेंशन हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या तो एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वी हैव मल्टीपल डायमेंशन, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन में 2D भी आता है, 3D, 4D एंड सो ऑन। तो अगर हम मल्टी डायमेंशन एरे की बात करें, सो इट्स कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशंस एट अ टाइम। टू डायमेंशंस एट अ टाइम मींस हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, लाइक टेबल, टेबुलर फॉर्म, जिसमें टेबल होता है हमारे पास, एक्स और वाई दोनों एक साथ होते हैं ना। अगर हम टेबल्स की बात करें, कोई भी टेबल जनरेट कर रहे हैं, अगर हम वर्ड पे भी सिंपल एक टेबल बनाए, लेट अस्यूम कि मेरे पास वर्ड की एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कहते हैं 2x2, 2x3, ठीक है, तो वही वाला फिनोमिना यहाँ पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो, क्योंकि ये पे हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, हम हमेशा एक डायमेंशन पे काम नहीं करते। अगर हमें रूम की स्पेसिफिकेशन देनी है तो हम 3D पे काम करेंगे, विड्थ, लेंथ और हाइट, ठीक है, वो 3D हो गई, 3 डायमेंशन, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें कि कोई भी टेबल है हमारे पास 2x2 का, तो उसमें लेंथ और विड्थ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ कि मेरे पास अगर टेबल है 2x2, वेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट रोज एंड सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट कॉलम्स, तो अगर हम 2x2 की बात करें, तो 2x2 को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल, यहाँ से हम करेंगे 2x2 का मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दो डायमेंशन है यहाँ पे, ठीक है, 1, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये मेरे पास 2x2 का एक टेबल जनरेट हो गया। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ 2
मल्टीप्लाई बाय थ्री, इसका मतलब है कि टू रोज और थ्री कॉलम्स, बट है ये भी 2D, डायमेंशन दो ही है। फर्स्ट डायमेंशन में दो एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं और सेकंड डायमेंशन में तीन एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। सो 2 by 2, 2 by 3 मींस फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, टू रोज एंड वन टू एंड थ्री कॉलम्स, डायमेंशन अभी भी दो ही है, 2D है ये, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने एक और एरे बनाया 3 by 4 का। 3 by 4 का एरे मेरे पास तीन एलिमेंट, तीन रो होंगी और चार कॉलम्स होंगे। टेबल 1 2 3 रोस, 1 2 3 4 कॉलम्स। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये सारी 2D एरेज ही हैं जिसमें दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन का मतलब एक्स एंड वाई। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करती हूँ, अच्छा जब हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसका हमें साइज भी बताना पड़ेगा। साइज मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा। जिस तरह हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास रोज और कॉलम की वैल्यू भी 0 से ही स्टार्ट होगी। मतलब फर्स्ट जो इंडेक्सिंग होगी रो की वो भी 0 से होगी और कॉलम की भी 0 से ही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D? और अगर मैं 3D की बात करूं, 3D का मतलब है टू जिसमें तीन डायमेंशन हो, मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अच्छा वो होता है ना जो हम 3D इम्पैक्ट देते हैं पिक्चर पे। शेप्स ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 3D इम्पैक्ट आएगा। 3D इम्पैक्ट क्या होगा हमारे पास, हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट तीनों एट्रीब्यूट्स सॉर्ट ऑफ इस तरीके का। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3D इम्पैक्ट। इस तरीके से हम इम्पैक्ट दे रहे हैं, लेंथ भी है जिसमें हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये लेंथ है, ये विड्थ है और इसको हम कह रहे हैं कि हाइट। जिस तरह एक रूम होता है, हमारे पास रूम में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाला जो है ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो इस तरीके से हम कोई 3D इम्पैक्ट जो दे रहे होते हैं, 3 डायमेंशंस, एक्स वाई एंड जेड 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके हम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हम 2D तक की करेंगे अपने कोड में। ठीक है, तो 2D मींस 2 डायमेंशंस, एक्स एंड वाई, वेयर फर्स्ट वन रिप्रेजेंट एक्स रोज एंड सेकेंड वन रिप्रेजेंट वाई कॉलम्स। तो 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम है ये भी मेरे पास 2D। 2 by 3, डायमेंशन दो ही है, ठीक
ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं कि हम 2x3 का एरे दे रहे होते हैं, तो कहते हैं मिस आपने 3D की तो इम्प्लीमेंटेशन करवाई नहीं, और आपने क्वेश्चन में पूछ लिया 2x3, सो 2x3 2D ही है, इसमें डायमेंशन दो ही है, रॉज और कॉलम, दो रॉज हैं और तीन कॉलम्स हैं, बट है 2D, जैसे ये है, ये 2D है ना, मेरे पास 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी तरह 3x4 ये भी 2D है, तीन रॉज है हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स है, 1, 2, 3 एंड 4. अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट थ्रू कोड, कोड के थ्रू हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जिस तरह हम कह रहे हैं कि एरे का एलिमेंट जो है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट 1D एरे का 0x0 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट होता है, इसी तरह हमारे पास जो हमारी 2D एरे है इसका एलिमेंट भी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, चाहे ड्रॉ हो उसको भी हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम हो उसको भी हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट रॉ वुड बी 0, सेकेंड रॉ 1 एंड थर्ड 2. ठीक है, ये हमारे पास किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई, रॉस की. ठीक है, और जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम को हम भी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2 एंड 3. सो जो ये वाला एलिमेंट होगा ये किस पोजीशन पे होगा, 0, 0, यानी कि मेरे पास रॉ 0, कॉलम 0. फिर जो ये वाला एलिमेंट होगा ये किस पोजीशन पे होगा, 0 एंड 1. इसका एड्रेस क्या होगा, 0th रॉ एंड 1st कॉलम. ये वाला एलिमेंट किस इस पर होगा, पोजीशन पे 0th रो है एंड सेकंड कॉलम है. ये वाला एरे किस पोजीशन पे होगा, 0 रो एंड थर्ड कॉलम. हम यहाँ इसकी बात करें तो अब रो चेंज हो गई, रो क्या होगी, 1, कॉलम 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है ये. फिर सेकंड मेरे पास रो 1 ही रही, कॉलम क्या हो गया, 1. फिर सेकंड क्या हुआ, मेरे पास रो 1 ही रही, कॉलम क्या हो गया, 2. रो 1 है, कॉलम 3 हो गया. फिर जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, इसका मेरे पास एड्रेस क्या होगा, सेकंड रो है, कॉलम 0. सेकंड रो है, कॉलम 1. सेकंड रो है, कॉलम 2. सेकंड रो है, कॉलम 3. और अगर हम इसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहें कि कितने एलिमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, सो वो होगा रॉ नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. तो 3x4 की 2D एरे में वी कैन स्टोर 12 एलिमेंट, जिसको हम काउंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जिस तरह हम वहां पे कह रहे थे ना कि एरे का साइज हम 5 5 देते हैं, सो वी कैन स्टोर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे. ठीक है, जब हम 1D एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे का साइज देते हैं 5, इट मींस वी कैन स्टोर 5 एलिमेंट्स इन दैट एरे. और जिसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे स्टार्ट होगा, 0 से. तो हमारे पास लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 4 तक. सो दैट जब हम 0 से 4 तक काउंट करेंगे तो 5 काउंट बनेगा. इसी तरह जब हम 2D एरे की बात कर रहे हैं, सो 2D एरे में हम नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टोर है वो कैसे निकालेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स. हियर नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. इट मीन्स वी कैन स्टोर 12 एलिमेंट्स इन 3x4 2D एरे, वेयर नंबर ऑफ रोज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नंबर ऑफ कॉलम स्टार्ट फ्रॉम 0. लास्ट नंबर ऑफ रो वुड बी 2, लास्ट नंबर ऑफ कॉलम वुड बी 3. लास्ट नंबर हम ऑफ एरे रो और कॉलम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज -1, यानी कि 3 है अगर -1, सो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0, 1, 2. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो 4 -1, साइज -1, 0, 1, 2, 3. लास्ट कॉलम कौन से इंडेक्स पर होगा, साइज -1, 4 -1, 3. लास्ट रो कौन से इंडेक्स पे होगी, टोटल नंबर ऑफ रोज -1, 3 -1, 2. ये लास्ट रो है ये वाली. ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि मैं एक कोड जो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, मैंने एक एरे डिक्लेयर की इंट. अच्छा, 2D एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारे पास ये ब्रैकेट्स यूज होंगे, और इन ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, एक कॉमा.
ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंट डायमेंशंस, जितने आप कॉमा डालेंगे उतनी डायमेंशंस होगी, ठीक है। जब हम कोई कॉमा नहीं डाल रहे होते तो 1D, 1 कॉमा मतलब दो डायमेंशन, एक कॉमे के इस तरफ एक कॉमे के इस तरफ। फौरन आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये 2D एरे है। 2D मीन्स टू डायमेंशन, एक्स एंड वाई बोथ। एंड देन नेम ऑफ एरे दे दें आप, 2D एरे कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू न्यू, इंटीजर इज द डेटा टाइप, और यहाँ पे आप क्या देंगे, एरे का साइज। साइज का क्या मतलब है? साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। जी क्लास, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, और आगे हम इसका साइज दे देते हैं 3, 4। हमेशा फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वाली वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे करके मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगी, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूंगी, तो ये मेमोरी में इस तरीके का जाके एक स्ट्रक्चर बना देगा, एक के बाद एक। अच्छा, दो तरीके से हमारे पास वैल्यूज मेमोरी में सेव हो रही होती है। हम जब एरे की बात कर रहे हैं तो एरे में क्या कहते हैं हम, कि एरे के सारे एलिमेंट वन बाय वन स्टोर होते हैं। तो जब हम 2D एरे की बात करें तो यहाँ पे दो डायमेंशन है, रॉ वाइज एंड कॉलम। वो तो 1D था, 1D में तो क्या था, एक के बाद एक एलिमेंट, फिर दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन। जब अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एक के बाद एक मेमोरी एड्रेस पर होंगे, और वो मेमोरी एड्रेस का क्या होगा, अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के 4 एड्रेसेस ऑक्यूपाई करेगा, सेकेंड एलिमेंट नेक्स्ट 4, थर्ड एलिमेंट नेक्स्ट 4 एंड सो ऑन। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से मेमोरी के सेल मेंटेन होंगे। जब हम 2D एरे की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, रॉ वाइज एंड कॉलम वाइज। तो अगर आप रॉ वाइज स्टोर करेंगे तो किस तरीके से स्टोर होगा, फर्स्ट एड्रेस यहाँ पे, फिर सेकंड, अगर रॉ वाइज करेंगे तो पूरी रॉ होगी पहले, यानी कि अगर इंटीजर एरे तो 4 बाइट्स इस एलिमेंट को मिलेगा, इस पे जो भी वैल्यू होगी, फिर नेक्स्ट 4 बाइट जो नेक्स्ट है इस पे मिलेगा, फिर नेक्स्ट इसको एंड सो ऑन। ये हमारे पास रॉ वाइज इंडेक्सिंग होगी। कॉलम वाइज इंडेक्सिंग क्या होगी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे का ये वाला, इसको पहले मेमोरी के 4 सेल्स मिल जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले रॉ को, फिर नेक्स्ट, मतलब हम कॉलम बाय कॉलम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट होती हैं, और एज अ प्रोग्रामर हमें इसकी वो करने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके से स्टोर होता है, ये बैकएंड पे हो रहा होता है, ठीक है। हम सिर्फ क्रिएट करेंगे बैकएंड पे। मैं सिर्फ आपको मेमोरी स्ट्रक्चर समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये जो 2D एरे है ये या तो रॉ वाइज या कॉलम वाइज होगी। 1D तो डायरेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन है, एक के बाद एक एलिमेंट एक के बाद एक, इसमें भी एक के बाद एक ही होगा लेकिन या तो रॉ वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये एरे बना दी, ये मेमोरी में इस तरीके का जाके स्ट्रक्चर बना देगा। मेमोरी तो हमारी 3D या 2D नहीं है, मेमोरी तो हमारी इटसेल्फ, बस उसमें डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल्स में कुछ बाइट्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ बिट्स, और एक सेल जो है वो 1 8 बिट्स लेता है, इट मीन्स 1 बाइट। और हम क्या कह रहे हैं कि एक इंटीजर कितने वो लेता है, 4 बाइट्स। तो ये पूरी जो एक सेल है ये एक इंटीजर का है, तो ये पूरा जो एड्रेस है ये 4 बाइट्स इस वाले इंडेक्स को मिल जाएगी। फिर मेमोरी में उसके बाद जो नेक्स्ट 4 होगा, अगर हम रॉ वाइज इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट 4 है वो इस वाले एलिमेंट को मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 नेक्स्ट। तो इसी तरह ये नेक्स्ट 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 करते इस तरीके से 1 बाय 1 सीक्वेंसिंग में स्टोरिंग कर रहा होगा। बट ये एक्चुअल ये जो है इसका लेआउट इस तरीके का होगा, 3 रोज और 4 कॉलम, बट मेमोरी में स्टोर 1 बाय 1 ही करेगा क्योंकि मेमोरी तो हमारी 2D या 3D नहीं है, ठीक है। बट इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी। बेस्ट एग्जाम्पल इसकी क्या है, मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक में पढ़े थे मैट्रिसेस, याद है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, 2 बाय 3 का मैट्रिसेस, 3 बाय 3 का मैट्रिसेस, 3 बाय 4 का मैट्रिसेस। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिफाइनिंग 2D एरे। अब ये तो हो गया मेरे पास 2D एरे, ठीक है, 3, 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं इसको इनिशियलाइज करने के।
एक तो ये तो मैंने डिक्लेरेशन कर दी, ये डिक्लेरेशन क्या करेगा, मेमोरी में जाके एक स्ट्रक्चर बना देगा। वैल्यू मैंने अभी कोई असाइन नहीं की, मैंने सिर्फ ये बताया कि एक दो 2D एरे बनाओ जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम, तो ये जाके मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा जब सबकी वैल्यूज को 0000 कर देगा, जब तक मैं नहीं इनिशियलाइज करूंगी। अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि हाउ कैन वी इनिशियलाइज 2D एरे, 2D एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो 2D एरे को हम इनिशियलाइज ऐसे करेंगे, कि हम या तो 1 by 1 इंडेक्सिंग करें, ठीक है, लाइक 2D एरे का नाम और 0,0 इज इक्वल टू 10, यानी कि मेमोरी में जाओ 2D एरे का नाम की एक स्पेस एलोकेट होगी, उसमें जो 0,0 पोजीशन है उस पर 10 वैल्यू दे दो। तो ये मेमोरी में जाएगा, देखेगा ये 0 रो एंड 0 कॉलम पे ये वाला इंडेक्स है, इसकी वैल्यू क्या कर देगा, 10। फिर मैंने इसी तरह इसको कहा कि दोबारा से 1 by 1 में हर एलिमेंट में स्टोरेज करवा सकती हूँ, 0,1 वेयर फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कॉलम। तो अब ये देखेगा 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है, रो ये है और कॉलम ये 1 है, इस तरीके से इसको 20 वैल्यू असाइन करते हैं, एंड सो ऑन 1 by 1 हम इस तरीके से हर एलिमेंट पे वैल्यू दे देंगे। जो तो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो कौन से एलिमेंट पे होगी, 2D एरे 2,3 इज इक्वल टू लेट्स से 80। तो ये देखिएगा कि रॉ 2 कौन सी है, ये वाली लास्ट वाली, और कॉलम 3 कौन सा है, ये वाला। सो यहाँ पे ये क्या वैल्यू दे देगा, 80। इसी तरह सारी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्लास? एक ये मेथड है, ठीक है, कि हम डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहे हैं वैल्यूज एरे के एलिमेंट पे जाके, रोज और कॉलम डिफाइन किया और आगे वैल्यू दे दी। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, एक ये मेथड हो गया, इसको अगर आप कहें तो मैं आपको वहां इम्प्लीमेंट भी करके बता दूं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं हम, कंट्रोल वी, बाकी सब मैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरी एरे डिक्लेयर हो गई और इसमें 1 by 1 आप सारे एलिमेंट्स प्रिंट। अब इसको प्रिंट कैसे करवाना है, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन 2D एरे, अगर आप इसको इसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको मल्टीपल कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, 0100। तो जो एड्रेस आप देंगे रोज और कॉलम का, उसी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है एरे को इनिशियलाइज करवाने का, कि जहां हम उसका साइज दे रहे हैं, जैसे हम 1D एरे को डिक्लेयर करते हैं, वहीं पे आगे हम वैल्यू देते हैं, और वैल्यू किस तरीके से दें, 1, अच्छा पहले फर्स्ट रॉ की वैल्यू देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ओपन कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने सेमी कॉलन यहाँ पे, कितनी रॉज होंगी, 3, सो फर्स्ट रॉ, फिर कॉमा, फिर सेकेंड रो, फिर कॉमा, एंड फिर थर्ड रो, एंड आफ्टर थर्ड रो, क्योंकि 3 ही रोज हैं, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई और रो नहीं है, तो फिर हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम विद इन अ रो कॉलम की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कॉलम 1, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स है, हर रो के अंदर 4 कॉलम है। ठीक है, हर रो के अंदर 4 कॉलम है, सो ये रो 1 हो गई, रो 2 मैंने दे दी 5, 6, 7, 8, इसकी भी 4 कॉलम्स की वैल्यू हो गई। यानी कि ये कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कॉलम चेंज हो गया। यहाँ पे कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक रो कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट रो,
फिर कॉमा क्या कह रहा है, सेकेंड रॉ भी कंप्लीट हो गई, अब थर्ड रॉ। और वेयर एज विद इन अ ब्रैकेट जो हम कॉमा डाल रहे हैं वो किसके लिए डाल रहे हैं, कॉलम के लिए। और फिर यहाँ पे जो लास्ट मेरे पास रॉ है उसमें हम दे देते हैं 10, 12, 14, 16। सो हम इस तरीके से भी एरे को इनिशियलाइज अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, हार्ड कोड कर दी वैल्यू, जहाँ साइज दिया उसी के आगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जितनी नंबर ऑफ रोज और जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 by 4 का मतलब है 3 रोज, 1 रो सेकेंड एंड थर्ड। 4 का मतलब है 4 कॉलम्स, हर रो में 4 कॉलम। सो ये कॉलम 1, 2, 3, 4। इसी तरह सेकेंड रो 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास वो एलिमेंट प्रिंट हो जो कि रो 1 और कॉलम 3 पर हो। तो क्या प्रिंट होगा क्लास, रो 1 एंड कॉलम 3? रो 1 कॉलम 3 पे कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा क्लास? वैल्यू बताओ ना। ये बात याद रखना है कि एरे का इसका भी इंडेक्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम 0 0 स्टार्ट होता है। सो रो 1 है मेरे पास और कॉलम जो है वो 3 है। रो 1 कॉलम 3। एट प्रिंट होगा ये वाला, क्योंकि रॉ 1 ये वाली है, क्योंकि एरे का इंडेक्स मैंने अभी आपको अभी कहा कि हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। सो ये मेरे पास रॉ 0 है, ये मेरे पास रॉ 1 है और ये मेरे पास रॉ 2 है। तो मैंने क्या कहा, रॉ 1 इट मींस यहाँ कहीं है मेरी वैल्यू, और मैंने कॉलम कौन सा कहा, 3। कॉलम का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होगा। तो ये मेरे पास कॉलम 0 है, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है और ये मेरे पास कॉलम 3 है। सो रॉ 1 एंड कॉलम 3, ये 8। क्या प्रिंट होगा मेरे पास, 8। ठीक है, काउंटर हमारे मेरे पास जो है वो हमेशा जिस तरह 1D एरे पे भी 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे भी जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होंगे। सो अगर मैं प्रिंट करके देखूँ console.WriteLine, console.WriteLine एरे का नाम विच इज 2D एरे 1, 3। इसी तरह हम इंडिविजुअल इंडेक्स पे वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। 8। अच्छा, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ 2, 2, 2, 2 पे क्या प्रिंट होगा क्लास, सेकेंड रॉ मतलब टू सेकेंड रॉ एंड इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, काउंट की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि 2, 2 पे कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट होगी, फोर्टीन। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि 2, 2 ये वाली रॉ 0 है, ये वाली रॉ 1 है, ये वाली रॉ 2 है। तो इस रॉ में से कोई वैल्यू प्रिंट होगी। कॉलम कौन सा होगा, 2। तो फर्स्ट वाला कॉलम मेरे पास 0, 1, 2। तो 2, 2, 2 रॉ एंड 2 कॉलम, 14। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एरे की इंडेक्सिंग हो रही है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? दोनों इनिशियलाइजेशन हार्ड कोडेड वैल्यू क्या आप कैसे दे सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, ब्रैकेट यूज करना जरूरी है, अगर आप विदाउट ब्रैकेट वैल्यूज देना चाहेंगे तो वो एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, अननेस्टेड एरे यानी कि आपको एरे के अंदर रोज को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कॉलम देना, ये कर्ली ब्रैकेट देना मैंडेटरी है। फिर आपने कॉमा,
आप चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग लाइन में रिप्रेजेंट फॉर नेक्स्ट फोर लाइन्स यहाँ पे इसी तरह। तो ये आपका एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पे भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसेस देते हैं ताकि क्लियरली पता चल सके। देखिए ये आपके पास इनिशियलाइजेशन, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है। ओके चलो मुझे जो है वो अटेंडेंस सेंड कर दो। अच्छा मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं मीटिंग सेम आईडी पर ही, और ये स्टूडी एरे को हम लूप के थ्रू देखकर क्लास एंड करते हैं। ठीक है क्लास, ऐसा करते हैं आफ्टर 5 मिनट दोबारा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है तो आफ्टर 5 मिनट ये मीटिंग एंड हो जाए। 11:16 11:25 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है 11:25 पे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे 2D जो है एरे पे लूप इम्प्लीमेंट करके बतानी है। 1D एरे पे वन लूप लगती है, इसी तरह
2D एरे पे हम टू लूप्स लगाएंगे, वो जो नेस्टेड लूप हमने पढ़ी थी याद होगा आपको, उसको हम टू